तो मुझे भी इसमें लड़ना पड़ा, निकलना पड़ा, जूझना पड़ा। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आज मैं फार्मर को अपनी तरह फील करता हूं। मैं जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही और फार्मर के साथ भी हो सकता है। जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही मेरा दूसरा फार्मर भाई भी फील करता है। तो मेरा जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरी कम्युनिटी है इस इंडस्ट्री में, जो एप्पल इंडस्ट्री जो हमारी बनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, तो इसमें एक एप्पल इंडस्ट्री भी है जो बहुत बड़ा रोल कर रही है हमारे देश के अंदर, स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर, हर कम्युनिटी में, एप्पल लॉबी में जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये इसमें, इस इंडस्ट्री ने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। और इस इंडस्ट्री के लिए अगर हम पॉजिटिवली, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, सोच नहीं रखते हैं, तो ये इंडस्ट्री एक दिन ख़त्म होने की कगार पे चली जाएगी। अगर यही प्रैक्टिस इसमें कमर्शियलाइज बिजनेस टाइप, किसानों को जो है बिजनेस रूप में यूज़ करना, अगर ये चीज़ें होने लग जाएगी ज़्यादा रूप में, तो ये इंडस्ट्री नहीं बच पाएगी। तो ये एक व्यापार का एक हब बन जाएगा। तो इस व्यापार ही हब से हमने किसान को कैसे खुशहाल करना है और कैसे हमने खुद होना है, मुझे तो खुद होना है पहले, उस चैलेंज से निकलना है। तो अगर आपको हम दिखाते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस चैलेंज से निकलने वाला ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो किसान हमारा जो है खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास खर्च करने की क्षमता नहीं है। अगर छोटा किसान है, 5 बीघा है, 10 बीघा है, 15 बीघा है, वो खर्च करने की क्षमता ही नहीं है। अगर आप बाहर का मॉडल जो आपको दिया जा रहा है, इंटरनेशनल मॉडल, न्यूजीलैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, इटली का, यूएसए का, अगर ये मॉडल आपको दिया जा रहा है, तो जो हमारा किसान है ना ही तो वो लैंड होल्डिंग में उतना बड़ा है, ना ही वो टेक्निकल बैकअप से इतना बड़ा है, और उसको जो है कॉन्सेप्ट वो दिया जा रहा है, कैसे वो सर्वाइव करेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं भी खुद एक फार्मर हूं, मुझे सर्वाइव होना है, ठीक है ना। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपना सकता था, क्योंकि मुझे स्टार्ट के लिए जो है उसके लिए फाइनेंशियली मेरे पास पौधे खरीदने के पैसे नहीं है, लैंडस्केपिंग के पैसे नहीं है, ठीक है, और जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसको मैं कैसे अफोर्ड करूं। तो जो हमारा किसान है, सीधा साधा किसान है बेचारा, उसको क्या है, स्टार्टिंग में इस मॉडल को अगर आप देखेंगे तो ये कितना अच्छा मॉडल है। अब ये प्रूव्ड मॉडल है। इसमें क्या है, ना ही आपको 600 का पौधा खरीदना, 500 का पौधा खरीदना, ना ही विदेशी पौधा लेना है, ना ही आपको कोई भी विदेशी टेक्नोलॉजी लेनी, ना इसमें स्पोर्ट सिस्टम लगाना है, ना कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ अपनी नर्सरी तैयार करके, अपनी नर्सरी में सीडलिंग प्लांट तैयार करके, और उसको जो है एक सही टेक्निकली तरीके से जो है एक हाई डेंसिटी कॉन्सेप्ट में जो है आपने लगाना है, जो हम करते हैं नॉर्मली, जो हमारे घर में नर्सरी भी तैयार हो सकती है, पौधा अपना तैयार हो सकता है। सिर्फ आपकी जो ज़मीन है, जो पुरानी ज़मीन है, उसको कैसे हमने शेप में लाना है, कैसे इसको हमने तोड़ना है, कैसे इसको और जगह बनानी है, कैसे इसकी जो है शेप बनानी है। आपने जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे को, ये लैंड हमने तोड़ दी, इसमें लैंड का एरिया बढ़ा दिया हमने स्केप करके, एंड लैंड का जब एरिया बढ़ गया, अब ढलानदार बना दिया, सीडलिंग प्लांट इसमें हमने लगा दिए, देखो कितने प्लांट इसमें फिर से आपको लगे। ये जो इसमें रास्ता बनाया हमने, कनेक्टिविटी दी है इसमें, तो ये कनेक्टिविटी जो है इस मेन रास्ते में ही आएगी आपकी, हर पैच को जो है एक छोटे रास्ते से जोड़ा गया है काम करने के लिए। तो जो हमारा किसान है, जो छोटा किसान है, उसके पास छोटी लैंड है, वो काम स्टार्ट करे, 5 बीघे में काम करे, 2 बीघे में काम करे, 1 बीघे में काम करे,
इसमें लगेगा क्या कि एक बीघे में 1000 प्लांट, 1000 प्लांट का मतलब आपको हम बताते हैं 1000 प्लांट में आप कैसे तैयार करेंगे। अगर आप यहाँ देख सकते हैं जो ये एरिया है, यहाँ से एक बीघा के लगभग का एरिया होगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसमें कितने प्लांट लगे हुए हैं। इसमें लगे हुए 1300 प्लांट, ऑफ साइडों में पियर है इसमें, और बीच में जो है इसमें आप ये सेब के पौधे आप देख सकते हैं, एप्पल। तो ये जो हम 1000 प्लांट लगाएंगे एक बीघा में, एक बीघा में आपको तो 1000 ही प्लांट लगाने की एडवाइस दूंगा क्योंकि आपको कंट्रोल भी करना है। तो ये जो एक बीघा में आपने 1000 प्लांट लगाए, उस 1000 प्लांट को आपने मैनेज करना है एक बॉक्स में, ठीक है। ये एक बॉक्स में आपने मैनेज करना है इसको, एक बॉक्स पे आपने रखना है इसको, एक बॉक्स पे कंट्रोल करना है। सीडलिंग प्लांट है एक बॉक्स। तो आपने अगर एक बीघा में 1000 प्लांट लगाया, तो अगर आपने एक बॉक्स लिया तो आपने 1000 बॉक्स लिया। अगर आप फील करें, ये देखिए इसकी कैपेसिटी, अभी तो ये स्टार्ट ही है, अभी ये 4 साल का प्लांट है, ये 4 साल में इसको फील करें आप, और कितने फ्रूट ये 4 साल में ही देने इसने शुरू कर दिए। अब आप ये देखें यहाँ नेक्स्ट, ये सिंगल में, यहाँ इसी में हम सिर्फ फ्रूट लेंगे इससे, फ्रूट ही फ्रूट। अगर हमने इसमें अपना टारगेट पूरा किया तो एक बीघे वाला किसान भी हमारा खुशहाल हो जाएगा। एक बीघे वाला किसान 1000 बॉक्स पैदा करेगा एक बीघा में। अगर उसने वो क्वालिटी फ्रूट आप देखें किस तरह की क्वालिटी इसमें बन रही है, साइज एंड शेप, ये आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी इसमें बन रही है। क्वालिटी फ्रूट ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि ये मेन स्टेम से ही आपको प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वालिटी फ्रूट में साइज भी होगा, हर चीज होगी आपकी, कलर भी होगा, सनलाइट पूरी जाएगी। तो ये क्वालिटी फ्रूट ये 3000 रुपये मान के आप नॉर्मली चलेंगे, क्वालिटी फ्रूट ये मार्केट में 3000 रुपये आपका गया। तो 1000 बॉक्स अगर आपने पैदा किया एक बीघा में, तो आपने 30 लाख का सेब पैदा कर लिया एक बीघा में। तो ये छोटा किसान, छोटे से भी छोटा किसान कहाँ पे पहुंच गया, आप इस चीज को फील करें और इसको समझे और इसको अपनाए। समझने पहले समझे, उसके बाद इसको अपनाए, स्पीड में अपनाए। आप कंफ्यूजन में ना रहे, आप सोचते ही ना रह जाए क्योंकि मेला निकल जाएगा। अगर आप उस मेले में, जो ये व्यापारी मेला है, अगर कहीं आप इस व्यापारी मेले में ही उलझ गए तो आप मेला ही देखते रह जाएंगे, फार्मिंग आप कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन जो होगी आपकी, वो आपके ऊपर क्वेश्चन करेगी क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो आप है, आपके ऊपर वो जवाबदेही होगी ना आपकी, तो वो बोलेंगे कि आपने क्या किया अपने समय में, ठीक है। तो आप एक बीघा में भी 1000 बॉक्स पैदा कर सकते थे, तो आप तो कंफ्यूजन में ही रहे। तो उसमें गलती किसकी होगी, हमारी, क्योंकि हम जानकारी नहीं ले रहे, सही दिशा में नहीं जा रहे, हम भटकाऊ दिशा में जा रहे हैं, जो हमें दिशाहीन कर रहे हैं। उनके ना चैनल देखो, ना उनके यूट्यूब पे देखो, ना उनकी जानकारी लो, आप वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए जो है वो उनने एक माध्यम बना दिया है, एप्पल इंट्रोडक्शन, क्योंकि एप्पल के इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन देंगे आपको वो कि आपको हम नई वैरायटी दिखाते हैं, अब ये वैरायटी आएगी, अब नई आपको पौधे इंपोर्टेड दिखाएंगे, कुछ और दिखाएंगे। तो वो क्या है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको जो है उधर कंफ्यूज करेंगे, दिशाहीन करेंगे, वो दिशा नहीं देंगे। वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही घातक लोग हैं, उनको आप बाहर का रास्ता दिखाएं,
उनकी जानकारियां न ले, क्योंकि उनका तो बढ़िया है, यूट्यूब से पैसा अलग से आ रहा है, चैनल से अलग से आ रहा है, कंपनी वाले उनको प्रोडक्ट बेचने के अलग से दे रहे हैं, उनकी दुकानें तो बढ़िया चली है। जो बेचारा किसान है उसका क्या हो रहा है? उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो कंफ्यूज ही हो रहा है। हर साल उनका ग्राहक बन रहा है, हर साल उनके लिए बजट बना करके, क्योंकि पूरी साल वो एक मुहिम चलाते हैं, पूरा सोशल मीडिया में उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, सोशल मीडिया में जो है वो मास्टर है। तो नए से नई कोई नर्सरी दिखाएगा, तो कोई जो है पेड़ में फ्रूट दिखाएगा, कोई जो है मार्केट में दिखाएगा। जब मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप फेसबुक और यूट्यूब तक ही सीमित ना रहे। जो मेरा किसान है, जो हमारा किसान भाई है, रियली में जो किसान भाई है, उसी ही नॉलेज तक ना रहे। अगर उनको कुछ देखना है तो स्टेट के अंदर क्वालिटी का एक एप्पल फेस्टिवल लगता है हर साल, जो 2013 से लगा हुआ है 2019 तक। अगर वो जितने भी वो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर के जो फार्मर्स हैं, आपको इम्पोर्टेड वराइटियाँ दिखाते हैं, वो स्टेबल के ऊपर कभी भी नहीं आए। आप आए उस टेबल के ऊपर देखें, हिमाचल का एप्पल फेस्टिवल होता है तो उसमें जो है हम अपने प्रोडक्ट लगाते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, स्टेट अवार्ड लेते हैं हर साल। 13 से 19 तक मैं स्टेट अवार्ड लिया, मैं शब्द बहुत गलत होता है परंतु मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हम सब लेते हैं। हम सब का मतलब है ये अवार्ड मेरा अपना नहीं है, ये मेरे उन ईमानदार किसानों और फार्मर और बागवानों का है जो सेब को ईमानदारी से पैदा करते हैं और मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। ये